सभी को जय हिंद नमस्कार दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अब खबर सामने ये निकल कर आ रही है कि आमिर खान कुछ सालों के लिए बॉलीवुड से ब्रेक लेना चाहते हैं। वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, इसलिए वो ब्रेक लेना चाहते हैं। बता यार, ये बात कुछ हजम नहीं हुई दोस्तों, कुछ हजम नहीं हुई ये बात। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने जब अपने सूत्रों को वहां भेजा, सूत्रों ने सूत्रों के हवाले से खबर निकाला और मेरे पास रखा कि बात कुछ और ही है। दरअसल लाल सिंह चड्ढा की विराट असफलता के बाद, विराट फ्लॉप होने के बाद, आमिर खान अभी भी उसी में खोए हुए हैं कि लाल सिंह चड्ढा आखिर फ्लॉप कैसे हुई इतनी बड़ी बजट की मूवी। इसलिए वो इन सब से विचार करने के लिए वो ब्रेक लेना चाहते हैं। दरअसल सर, कोई कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें कोई काम, बॉलीवुड से कोई काम नहीं करना चाहता है और आमिर खान अपने पैसे नहीं लगाना चाहते, इसलिए वो ब्रेक लेना चाहते हैं। अब क्या अंदर की बात है ये तो समझ नहीं आ रही है दोस्तों, बॉलीवुड की क्या अंदर की बात है। दरअसल इन्हीं हरकतों के कारण आज बॉलीवुड के पतन का कगार में है दोस्तों लाल सिंह चड्ढा। दोस्तों लाल सिंह जो बड़ी फ्लॉप फिल्म थी, सभी को पता है क्यों फ्लॉप हुई थी, क्योंकि जनता जान चुकी है अब इनके रवैये को और जनता को अब जैसा देंगे दोस्तों वैसा ही आपको मिलेगा अब जनता से, क्योंकि जनता जाग चुकी है। अब कौन सी बड़ी फिल्म को जनता फ्लॉप करने वाली वो जनता जानती है, क्योंकि जनता जनार्दन है दोस्तों, वो जनता जानती है कौन सी फिल्म को अब फ्लॉप करना है दोस्तों। अब वो बड़ी कौन सी बड़ी फिल्म है दोस्तों, अब देखिए कौन सी बड़ी फिल्म को अब जनता फ्लॉप करने वाली है, क्योंकि जनता से आप जितना प्यार करेंगे जनता आपको दुगना प्यार करेगी उससे, क्योंकि जनता सब जानती है, पब्लिक जनार्दन है दोस्तों, जनता जनार्दन है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।